एचसीएस मेंस में जनरल स्टडीज का पेपर आपका 200 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 600, और इसमें जो 200 मार्क्स का पेपर आता है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। काफी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू और पिछले एक साल के जो करंट अफेयर रहते हैं उसी पे बेस्ड रहते हैं। इसी तर्ज पे पिछले दोनों साल में हमने एचएस 300 मेंस बैच लेके आए थे, और उसमें पर्सनल मेंटरशिप थी, लाइव क्लासेस थी, और उसी बैच को इस साल के लिए हम फिर से लेके आ रहे हैं, एचएस मेंस जनरल स्टडीज बैच विद पर्सनल मेंटरशिप। 300+ टॉपिक्स रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, 90% डेफिनेट कवरेज आपको देखने को मिलेगा। जो अभी तक पैटर्न आया पिछले दोनों एचसीएस में 90% कवरेज हमने कर लिया था। तो सारी की सारी डिटेल एचसीएस जीएस बैच की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सो वॉच टिल द एंड। इसमें आपको जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी, और जो लाइव क्लासेस है उनका पूरा शेड्यूल आपको बताया जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए इसमें आपके मेंस की सारी क्लासेस रहेंगी, मेंटरशिप रहेगा, जीएस की क्लासेस है, हिंदी की क्लासेस है, इंग्लिश की क्लासेस है। यू विल गेट माय पर्सनल नंबर, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप आराम से कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एंड इसमें आपको सोल्ड एचसीएस पेपर भी मिलेंगे 2003 से लेकर 2022 तक के। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। एंड ऑल्सो जीएस पेपर 1 2 यूपीएससी लास्ट 10 ईयर्स के आपको मॉडल आंसर टेंटेटिव एंड इनके वीडियो क्लासेस भी मैंने ली थी, तो वो इसमें एक्स्ट्रा आपके लिए रहेगा। उसके अलावा देखिए जो जो जीएस की क्लासेस हैं 300+ टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं, 90% मेंस के क्वेश्चन आपके टारगेट कर लेगा। ये हमारे इस तरीके से अरेंज रहेंगी, आपकी पॉलिटी कवर कराई जाएगी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, बिल्स, एक्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल इश्यूज एंड इकोनॉमी। तो इस हिसाब से रहेगा, प्लस करंट अफेयर हमारा रहेगा 15 मंथ्स का। टॉपिक्स रहेंगे इश्यूज सारे के सारे जनवरी 2023 से लेके मार्च 2024 तक के, तो जितना भी अपना मैक्सिमम हो सकता है उसको अपन लेके चलेंगे। अभी हम टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम में और कंटेंट सेक्शन बैच में जब आप जाएंगे तो आपको आराम से दिख जाएगी। सो लेट अस सी टॉपिक लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। डेमो जो हमने नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। पहले एक बार हम टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, पॉलिटी आईआर, और इसी तरीके से आपका चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, पॉलिटी में आप कौन से टॉपिक रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 377, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन फाइनेंसिंग, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पीवीटीजी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, एनआईए, नीति आयोग, एनसीबीसी। मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा, सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे रीसेंट जो अपने करंट अफेयर के हैं उसमें वुमेन इन जुडिशरी, मॉडल प्रिजन एक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज, नारी शक्ति वंदन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस बार, और स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो अभी आया है, जन विश्वास एक्ट, ये सारे इसमें आपके कवर रहेंगे। सेडिशन, एंटी डिफेक्शन, कॉलेजियम, सस्पेंशन, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये पॉलिटी के आपके टॉपिक्स रहेंगे। उसके अलावा ऐसे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपके टॉपिक हैं, जैसे आईआर है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके नेबरहुड सारा आपका कवर कराया जाएगा, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, यूएस, सेंट्रल एशिया, बीआरआई, एससीओ, इंडियन डायस्पोरा, यहां से सवाल आया था, कोल्ड वॉर 2.0, तो ये सारे के सारे रहेंगे आपके, ठीक है। स्पेस डिप्लोमेसी, यूएन रिफॉर्म्स, पिछली बार सवाल आया था यूएन रिफॉर्म से, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ये हमने लास्ट ईयर भी किया था और सवाल भी आया था यहाँ से, इंडिया, चाइना, यूएस, जापान, इनको हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। कैनेडा, जीसीसी, वियतनाम, शार्क, क्वाड आपका आया था, ठीक है, G7, G20, यहां से सवाल आए थे, ये हमने लास्ट ईयर भी करे थे। तो ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, पूरी की पूरी टॉपिक लिस्ट आप आराम से देख सकते हैं। ऐसे ही साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, अभी तक साइंस से उतने क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, बट वी विल कवर अप साइंस कंप्लीट, सारा का सारा रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर पेपर। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, आदित्य L1, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल्स, करंट टॉपिक्स सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड आपके करे गए हैं, एआई इन एजुकेशन, चंद्रयान 2, 3, इंडियन स्पेस पॉलिसी, क्वांटम मिशन, ठीक है, डीप फेक्स, वाईफाई 7, आरटी लैम्प, 5G, लिडार, गगनयान, ये सारे, वेब 3.0, एनएफटी, जेम्स वेब, वन हेल्थ, ये हम करेंगे साइंस में। इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एमएसएमई, डाटा, स्वच्छ भारत मिशन, ये हमारे कुछ स्टैटिक टॉपिक रहेंगे। और करंट में भी अगर हम देखते हैं,
नियो बैंक, ई श्रम पोर्टल, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, डिजिटल टैक्स, ठीक है, सीबीडीसी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, गिग इकोनॉमी, डिजिटल बैंकिंग, तो ये सारे के सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स प्लस स्टैटिक के टॉपिक आपको सारे मिल जाएंगे 15th फाइनेंस कमीशन इनलैंड वाटरवे. दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन. इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे टॉपिक्स का और बहुत फास्ट होगा. उसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर के जो हमारे मेजर टॉपिक होते हैं, 1857 रिवोल्ट जहां से पिछली बार सवाल आया था, रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ प्रेस, सोशल रिलीजियस, ठीक है, एंड कम्युनलिज्म, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सीडीएम, और ये कुछ आर्ट एंड कल्चर के हैं जैसे द्रविड़ा नगरा क्या है, रॉकट क्या है, ठीक है, स्तूपा क्या है, मथुरा गांधारा क्या है, वैदिक इंडियन फिलोसफी क्या है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट आपका क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो लास्ट ईयर आपकी न्यूज में रही थी, छत्रपति शिवाजी, मेहर भोज, अल्लूरी सीतारमन राजा, ठीक है, सैयद अहमद खान, रानी दुर्गावती, जो इस बार एचएस प्री में भी सवाल आया था, तो ये आपके मेंस में भी पूछे जा सकते हैं. मीरा भाई इस बार आया था, नारायण गुरु, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले, ये सारे के सारे हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है. सोशल इश्यूज में आपके सारे इश्यूज, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन इश्यूज कंप्लीट वी विल डू, इंक्लूडिंग मेडिकल टर्मिनेशन, ट्रिपल तलाक, वल्नरेबल, दलित, ओल्ड एज इश्यूज, एजुकेशन के इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज, चाइल्ड इश्यूज वी विल डू पोस्को, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. उसके अलावा जो करंट में है जैसे एनईपी, ये हमने लास्ट ईयर भी किया था और सवाल भी आया था, एएसएआर रिपोर्ट, पोस्को एक्ट, लोक अदालत, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो ये आपका रहेगा सोशियोलॉजी में, सोशल इश्यूज. सिक्योरिटी में आपका जेएमके, नक्सलिज्म, इंटरनेट सर्वेलेंस, नेट ग्रिड, सीसीटीएनएस, नॉर्थ ईस्ट सेपरेटली, ऑर्गन ट्रेड, सोशल मीडिया, इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मॉब लिंचिंग, सीडीएस, ये सारे टॉपिक हम करेंगे. मैरिटाइम सिक्योरिटी जो लास्ट टाइम आपका आया था, डिफेंस एक्सपोर्ट, थिएटराइजेशन, ठीक है, यूएपीए, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन को लेके क्या चल रहा है वो हम देखेंगे. सोसाइटी में आपके जो मेजर टॉपिक है वो हम करेंगे, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, लो सेक्स रेशियो, ये सवाल आता है बार बार, अर्बनाइजेशन, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, रीजनल एस्पिरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपके करवाए जाएंगे. उसके अलावा ज्योग्राफी कंप्लीट बेसिक जो भी हमारी ज्योग्राफी है इस बैच में सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ज्योग्राफी की, स्टैटिक पोर्शन की जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. बट उसके अलावा बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं अभी मैं आपको डिटेल जब डेट वाइज बताऊंगा तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है. तो इसमें सब कुछ ही करा रखा है जो भी पूछे जाने की संभावना है, अर्थ का ओरिजिन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, मेंटल प्लूम, यू कैन सी, आप आराम से इस लिस्ट को देख लेना, बहुत बड़ी लिस्ट है, सारी चीजें बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रोट, साइक्लोन, डिसेबिलिटी एंड क्लाउड ब्रस्ट, सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट एचएस में हमारा उतना नहीं आता है, बट अगेन एनवायरमेंट अगेन स्टैटिक का पोर्शन रहेगा, तो इसके आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, अपडेटेड पीडीएफ विद डायग्राम्स एंड मैप्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी. तो ये सारा का सारा है जो 300 टॉपिक्स हैं जो इस बैच में आपके कवर कराए जाएंगे वो. अब मैं आपको डेमो पीडीएफ दिखा देता हूं जो हमने तैयार करी है, आप आराम से एक आइडिया लगा लेंगे कि किस टाइप के नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे. जैसे देखिए ये है सबसे पहले पॉलिटी के, तो पॉलिटी में जो टॉपिक कवर है ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इस तरीके से रहेगा. आपको स्टैटिक के नोट्स अलग मिलेंगे और पिछले एक साल के करंट अफेयर के नोट्स अलग मिलेंगे, ताकि जो सिर्फ और सिर्फ पिछले एक साल पे फोकस करना चाहते हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना आए, वो आराम से इसको देख सके, ठीक है. तो ये स्टैटिक वाली पीडीएफ में से सैंपल हमने प्रोवाइड कराया है. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कंटेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 19(1)(a), 19(2) क्या है, ठीक है. उसके अलावा डिफेमेशन और इन सब में क्या रहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, 21 में क्या है, हेट स्पीच क्या है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के, चिलिंग इफेक्ट, हैकलर वीटो क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स फिल्म्स की फॉर्म में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी रही, जैसे जगजीवन, केदारनाथ, श्रेया सिंगल जो काफी फेमस केस है, ठीक है. कुछ कोर्ट्स वगैरह जो आप अपने एसे में या फिर आंसर में कर सकते हैं. ऐसे ही वोटिंग बिहेवियर जो है अभी रिसेंट काफी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको लेके, तो इस टाइप से आपको मैप और ये सब भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप डायग्राम्स भी वहां पे बना के आ सके, ठीक है. आपको सारे फैक्ट एग्जांपल इन्हीं में ही प्रोवाइड कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं. तो इस तरीके से काफी इफेक्टिव और टू द पॉइंट नोट्स बनाने की कोशिश करी है. नेगेटिव वोटिंग बिहेवियर इसके क्या हो सकते हैं, अभी जो रिसेंट चेंज हो रहा है, तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ठीक है. रिपोर्ट्स जो है जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका रिपोर्ट है, मुलर रिपोर्ट है, तो आपको एक ही जगह सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी. आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, आप आराम से पढ़ें, याद करें और उनको एग्जाम में लिख के आएं. तो जितना मान लो 150-200 वर्ड में, 250 वर्ड तक आपको क्वेश्चन लिखना है, उससे मोर देन सफिशियंट आपको कंटेंट आराम से मिल जाएगा. उसके अलावा देख लेते हैं, जैसे ये तो हमारे पॉलिटी के हैं, अगर हम नीचे देखें
तो यहाँ पे आपको बाकी भी मिल जाएंगे, जैसे आई थिंक ये इकोनॉमिक्स के नोट्स है, ठीक है, चाइनीज मॉडल, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे टॉपिक है कि भाई $5 trillion हमारी इकोनॉमी कैसे बनेगी, क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स उसके हैं, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। वन सेकेंड, ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है इसका, स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, इंडिया की इकोनॉमी 2014 में क्या थी, 19 में क्या थी, 23-24 में क्या रही है, अभी हमारे कौन सी, तो जितने फैक्ट हो सकते हैं सारे इसी में ही ऐड करा रखे हैं। हमें ये टारगेट्स क्यों चाहिए, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको हाईलाइटेड और बोल्ड सेपरेटली मिल जाएगा, बस आपको पॉइंट्स याद करने हैं और लिखने हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्लासेस में इन्हीं पीडीएफ से पढ़ाया जाएगा, नोट्स आपको इन्हीं पीडीएफ के प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 9 से 10 पॉइंट हर पॉइंट में हमने डालने की कोशिश करी है, जैसे और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं हमारे इसमें, रेगुलेटरी रिफॉर्म, ग्लोबल चैलेंजेस, इनकम इनइक्वालिटी, तो आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे, ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या बोलती है इसके बारे में, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इन नोट्स को तैयार किया गया है और मैंने पूरा ध्यान रखा है कि हर चीज हर तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जा सके। जैसे देखिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करते हैं, तो आपको ग्राफ मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, तो हर तरीके से मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा साइंस के दिखा देते हैं, जैसे देखिए नैनो टेक्नोलॉजी हमारा काफी फेमस टॉपिक रहता है, नैनो टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूं कि कैसे हमने कवर किया है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना डीप और हर चीज को कवर किया गया है और इसको बहुत जल्दी जल्दी भी हम कवर करेंगे क्लासेस में भी, और थोड़ा सा क्लासेस उस हिसाब से रखी गई हैं कि भाई आपका चीजें भी सारी कंप्लीट हो जाए, कुछ बचे भी नहीं, और मतलब एक ही जगह पे आपका सब कुछ हो जाए। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी टॉपिक है, कंटेक्स्ट क्या है, मतलब अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज में था, 2D नैनो शीट्स क्या होती हैं, छोटी छोटी चीजें भी आपको बताई जाएंगी, स्मार्ट पिल्स जो डेवलप हो रही है उनमें क्या हो रहा है, ठीक है, ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर्स में जो चल रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है, फिर जैसे ये देखिए अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी ये है क्या, उसकी एप्लीकेशन मेडिकल में क्या है, तो बहुत सारे पॉइंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, एग्रीकल्चर में क्या है, स्पेशली कई बार सवाल एग्रीकल्चर नैनो टेक्नोलॉजी से पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से एड्रेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पे क्या है, एनर्जी सेक्टर में क्या रहेगा, तो हमने हर सेक्टर को इसमें कवरअप करने की कोशिश करी है, डिफेंस में क्या रहेगा, कंसर्न क्या है, टेक्नोलॉजी जो है इसके रिगार्डिंग वो क्या है, जैसे सुपर बग है, साइबोग्स है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इनकी, रिसेंट न्यूज में क्या चल रहा था, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब वगैरह है, तो जो जो टॉपिक रिलेटेड है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कार्बन डॉट्स क्या होते हैं, तो ये छोटे फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, काफी डिटेल में रहेगा, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं, जैसे नैनो एंड साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम, नैनो मिशन जो हमारा चल रहा है, COVID-19 में क्या रहा, कंपनीज और स्टार्टअप्स, कुछ एग्जांपल हम इनके देखेंगे, तो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी एक बार यहां से कर लिया तो आपका डन, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, फ्यूचर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में क्या रहेगा, तो मैंने आपको दोनों चीजें आराम से दिखा दी हैं, यू कैन सी कि द क्वालिटी ऑफ द नोट्स, आप आराम से इनकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप आराम से उसको वहां पे भी देख सकते हैं, हिंदी में इसी की ही ट्रांसलेटेड, अब हिंदी में इन नोट्स को प्रॉपरली तैयार नहीं कर पाए हैं, बट क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छे से तैयार है, हमने गूगल ट्रांसलेट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो आराम से डेमो देखें, क्लासेस देखें, उसके बाद इफ दे फील कि दे आर कंफर्टेबल तो दे कैन एनरोल इन द कोर्स, उसके बाद देखें, ये मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा, 300 टॉपिक रहेंगे, मोस्ट रेलेवेंट स्पेशल कवरेज 15 मंथ का रहेगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये एक रिवीजन बैच है, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, उतना स्लो हम नहीं चल सकते क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो चीजें रहेंगी टू द पॉइंट रहेंगी, तो इसमें हम दोनों चीजें बैलेंस करेंगे, स्पीड और कंटेंट। कंटेंट ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफी होलिस्टिक कवरेज कंटेंट का रखा गया है, ट्राई किया है हमने कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करा सके एक ही जगह पे, और स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। अब सेकंड चीज, जो टाइमिंग है क्लासेस का वो रहेगा 1, 2, 5 या फिर 6, यानी 4 से 5 घंटे डेली क्लासेस रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। नाउ बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है, कुछ स्टूडेंट अभी एनरोल करेंगे, तो 23 फरवरी से क्लासेस आपकी स्टार्ट रहेंगी। अभिमन्यु बैच के या फिर 300 बैच में जिन्होंने पहले ऐसे एनरोल कर रखा है उनको एनरोल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभिमन्यु बैच में ये आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, बाकी बैच के स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं तो वो एनरोल कर सकते हैं, उनको सेपरेटली करना पड़ेगा। अब देखिए 23, 24, 25 को हम करेंगे पॉलिटी, 26 को ऑफ रहेगा, मंडे ऑफ रखा है, 27 को पॉलिटी, ठीक है, यानी 4 क्लासेस आपकी पॉलिटी की रहेंगी, लगभग
16 से 20 घंटे की क्लासेस रहेंगी, पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईआर इंटरनल सिक्योरिटी 28 को आपका रहेगा और 29 को। उसके अलावा 1 मार्च को भी आईआर इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास है, 2-3 को इकोनॉमी, 5 और 6 को इकोनॉमी, 7-8-9-10 आपका साइंस एंड टेक रहेगा, 11 को ऑफ है, 12 को आपकी क्लास रहेगी सोशल इश्यूज की, 13-14 सोशल इश्यूज, 15 से लेकर 20 तक करंट अफेयर, करंट अफेयर की जितनी भी अपडेट है किसी भी सब्जेक्ट की, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारी की सारी इसमें कराई जाएंगी। नाउ कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा इंक्लूडिंग द पर्सनैलिटीज, एक सवाल आपका पर्सनैलिटीज का आया था तो वो भी हम इसमें सारी पिछले साल की जितनी भी आई है वो सारी की सारी करेंगे। देखो इसमें एक ही चीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये 3 सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस से ही करने हैं क्योंकि समय बहुत कम है, तो इनकी लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी क्योंकि इसमें ज्यादा अपडेट करने का कुछ है नहीं, ये स्टैटिक ही पोर्शन रहा है। हाँ, एनवायरनमेंट का जो अपडेटेड रहेगा करंट अफेयर का, वो आपकी करंट अफेयर की क्लासेस में आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज, HS मेंस बैच में टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड नहीं है, टेस्ट सीरीज में आपको सेपरेटली एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे डाउनलोडेड फॉर्मेट में, गूगल ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप आराम से अकेडमी पे कॉन्टेक्ट करके भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो नोट्स हैं सॉरी They are translated, so आप आराम से देखें, डेमो नोट्स देखें, बैच में भी प्रोवाइड करा रखे हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। हिंदी की क्लासेस जो है, ये हो गया जीएस की बातें, हिंदी की क्लासेस टॉपिक वाइज कवरेज इसमें है, ग्रामर का भी कवरेज है, प्रीवियस ईयर पेपर जो डिस्कशन है उसमें मोटा मोटा 2-3 घंटे में अच्छी अच्छी बातें सारी बता रखी है, ठीक है, टॉपिक्स सारे कवर्ड है। इंग्लिश की क्लासेस डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2003 से लेके 22 तक के सारे आपको इस बैच में प्रोवाइड कराए जाएंगे। डेमो क्लासेस पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया आप आराम से देख सकते हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं, आप आराम से देखें और एनरोलमेंट से पहले उसको देख लें ताकि आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हिंदी मीडियम स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, फीस जो है वो बैच की है 10,000 रुपीज। अभी अगले 10 दिन तक आपका 20% ऑफ रहेगा, फीस विल बी 8,000 रुपीज, तो दिस इज इंक्लूडिंग द जीएसटी, ठीक है। तो 20% जीएसटी होता है तो फीस अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इससे भी कमी आती है, ठीक है। तो 12 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी बैच की, आप देख सकते हैं। अब आपको एनरोल कैसे करना है बैच में, देखिए अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डॉक्टर मित्र अकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आराम से डाउनलोड करें। उसके बाद आप ऐप के इंटरफेस पे जाएंगे, पेड कोर्सेज में जाएंगे, 300 मेंस के नाम से बैच मिलेगा, यू हैव टू डू द पेमेंट और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको डेमो कंटेंट दिख जाएगा। वेब यूजर्स जो हैं वो drmitraacademy.com पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, एनरोल करेंगे, पेमेंट करेंगे, डन। एप्पल यूजर जो हैं पहले उनको वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर देन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। फिर आप बैचेस में जाएंगे, 300 मेंस बैच, अगेन पेमेंट, या फिर आप वेबसाइट से ही एनरोल करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एप्पल में। तो इस तरीके से ये 3 यूजर्स आपका कर सकते हैं। डेडिकेटेड सपोर्ट एकेडमी और टेक्निकल इश्यूज के लिए आपको 2 नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं, 9963370909 एंड 9588533951। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप आराम से कॉन्टेक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा HCS मेंस की टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें 8 टेस्ट है, 5 सेक्शनल, 3 फुल लेंथ टेस्ट, और उसके अलावा जो हमारा YouTube पे फ्री इनिशिएटिव है दैट इज लैप लाइव आंसर प्रैक्टिस, जो कि आपका ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 क्वेश्चन डेली 30 डेज तक रहेंगे, 19 फेब टू 23 फेब। सुबह 8 बजे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं और रात को 8:30 बजे आपका लाइव डिस्कशन सेशन रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारे मेंस के इनिशिएटिव हैं एंड वी होप दिस बैच कैन हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन जीएस, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, आप आराम से, अगर आपने पहले भी कहीं से कर रखा है तो दीज नोट्स कैन हेल्प यू अलॉट एंड दीज क्लासेस कैन हेल्प यू डेफिनेटली टू इंक्रीज योर जीएस मार्क्स। ओके, सो इफ यू फाइंड इट अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन की आपको हेल्प कर सकता है तो एनरोल इन दिस बैच एंड सी इन द लाइव क्लासेस। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।